नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडियोस एंड वेलिका थी सीरीज एसएमई क्रश ऑन इंडिया पॉलिटी के पांचवे पार्ट में। इसके पहले और दूसरे पार्ट में हमने एग्जीक्यूटिव और यूनियन की लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे यूनियन की जुडिशरी के बारे में, जिसमें कवर करेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज, सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जैसे इंपोर्टेंट टॉपिक्स को। लेट्स अचीव इट, आज की इस वीडियो करते हैं शुरुआत करेंगे सबसे पहले पार्लियामेंट्री कमिटीज से। तो इसमें देखिए, पार्लियामेंट्री कमिटीज मेनली चार तरह की पाई जाती हैं। इसमें होती है सबसे पहले फाइनेंशियल कमिटी, उसके बाद में आती है आपकी स्टैंडिंग कमिटी जिसमें डीआरएससी को बोला जाता है, उसके बाद में आती है आपकी एडहॉक यानी सेलेक्ट कमिटीज, इसके बाद में आती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज। देखिए, फाइनेंशियल कमिटीज के एग्जांपल हैं ऐसे पब्लिक अकाउंट कमिटीज हो गई, आपकी एस्टिमेट्स कमिटी हो गई जो पैसे से रिलेटेड होती है सभी, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटीज की जहां पे बात आती है, वहां आते हैं इसके जो सेक्टर्स होते हैं जैसे रेलवे, हेल्थ, उन पर जो कमिटीज बनती है वो कहां आएंगी आपकी स्टैंडिंग कमिटी में। इसके अलावा सेलेक्ट कमिटी ऑन जीएसटी, ये कहां आएगी, एडहॉक कमिटी होती है क्योंकि ये किसमें आएगी आपकी, एडहॉक या फिर सेलेक्ट कमिटी में। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज, इसके अंदर आती है आपकी बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा का काम कैसे चलेगा उसका ध्यान जो रखें, जो रूल्स का ध्यान रखें और जो प्रिविलेजेस वगैरह का ध्यान रखते हैं, वो किसमें आएंगी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज के अंदर आएंगी। इसके अलावा बाइयत बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि हैं नहीं कमिटी से रिलेटेड। सबसे पहले बात करेंगे हम पब्लिक अकाउंट कमिटी के बारे में, जो कि 22 सदस्यों से मिलकर बनी होती है, 15+7 यानी 15 मेंबर्स कहां से लिए जाएंगे आपकी लोकसभा से, 7 मेंबर्स आपके लिए जाते हैं राज्यसभा से। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं, यानी विपक्ष के नेता जो कि इस समय कांग्रेस से आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। इसके बाद में बात आती है एस्टिमेट्स कमेटी की, इसमें 30 के 30 मेंबर्स जो होते हैं वो कहां से लिए आते हैं आपके लोकसभा से। इसके जो चेयरपर्सन इस समय वो है मुरली मनोहर जोशी जी। इसके बाद में बात आती है आपकी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, सेम सिनेरियो पीएसी ऐसा, 15 सदस्य आपके लोकसभा से, 7 मेंबर आपके होते हैं राज्यसभा से। इसके जो अभी चेयरमैन है वो है आपके शांता कुमार जी। इसके बाद में बात आते हैं आपकी बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज की, तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अलग अलग बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज होती हैं। 15 मेंबर्स की कमिटी होती है लोकसभा की और 11 मेंबर की कमिटी होती है आपकी राज्यसभा की। जुडिशियल स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे और बात करेंगे किस तरह से हायरार्की चलती है, तो नीचे से शुरुआत करते हैं, ऊपर हम जाएंगे इससे। नीचे देखिए मुंसिफ और जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज के कोर्ट होते हैं वहाँ से बात की जाती है, मुंसिफ जो कोर्ट होते हैं वो बात होती है यहाँ पे सिविल की, और जो यहाँ पे कोर्ट होते हैं इनकी बात आती है क्रिमिनल्स की। ठीक है, तो ये लोग पहले डील करते हैं इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसके बाद में अगर यहाँ पे बात नहीं बनती है तो जाते हैं ये जो केस होते हैं दोनों ही तरफ से सबऑर्डिनेट जज क्लास सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे भी बात नहीं बनती है किसी इंसान की तो वो कहाँ जाता है आपका सबऑर्डिनेट जज क्लास वन पर। उसके बाद में जाते हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड जजेस, ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस पे आते हैं। यहाँ पे भी अगर बात नहीं बनती है किसी इंसान को दिक्कत होती है, देखिए अगर कोई बहुत ज्यादा सीरियस अगर कोई मैटर होता है तो सीधे सीधे तौर पर वो डिस्ट्रिक्ट में ही आ जाता है, लेकिन अगर नहीं भी आता है वो इतना सीरियस मैटर नहीं होता तो इन सभी स्टेप से होकर ही जाएगा हमेशा, और तब जाके पहुंचता है आपके डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जजेस के पास में। यहाँ पे अगर बात नहीं बनती है, मान लो कोई किसी फैसले से संतुष्ट नहीं है तो कहाँ जा सकता है, हाईकोर्ट जा सकता है, और हाईकोर्ट कहाँ जा सकता है आपको अगर याद हो मैंने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल राइट्स में, किसी के भी अगर राइट का वायलेशन होता है कौन से फंडामेंटल राइट्स का, तो सीधे सीधे तौर पर वह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है वो, हाईकोर्ट भी आ सकता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा फैसला आता है उसके फंडामेंटल राइट से नहीं था, सिंपल केस था, लेकिन वो उससे खुश नहीं है, उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो कहाँ पे आ सकता है आपके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ फंडामेंटल राइट्स के लिए वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी आ सकता है, वो पीआईएल फाइल कर सकता है डायरेक्टली दोनों जगह। तो चलिए बात कर लेंगे अब आपकी सुप्रीम कोर्ट है उसी की, क्योंकि यहाँ पे यूनियन के बारे में पढ़े हैं, तो बात करेंगे आर्टिकल नंबर 124 से 123 तक हमने पिछले वाले जो वीडियो थी उसमें देख लिया था। इसको शुरू करने से पहले अगर आपने वो नहीं देखा उसको देखें ताकि आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो 124 की बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बात की जाती है। कहा जाता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड विद 7 अदर जजेस ऑरिजिनली, करेंटली कितने यहाँ पे 30। देखिए जो ऑरिजिनली दिया गया था उसमें कही गई थी 7 जजेस की बात, क्योंकि तब इतने अंदर लोड नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके काम का प्रेशर बढ़ा, लोड बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ी, देश आगे बढ़ा, तो वो जरूरतें भी बढ़ी, और इसीलिए आज जो हमारा नंबर है वो कितना है 30। ठीक है, और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जैसे कि लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए उसके चीफ जस्टिस होने चाहिए, वो है अभी जस्टिस रंजन गोगोई जी हमारे चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आगे की, तो ऑल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करेगा उन्हें, जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी सील के साथ में, और उन्हें ओथ दिलवाएंगे जो जैसे कि थर्ड शेड्यूल के अंदर मेंशन है वो वाली। ठीक है, जिनकी एज होती है काम करने की वो होती है 65 साल, या फिर जैसा पार्लियामेंट अपने कानून के हिसाब से निर्धारित करे वो बाद में कर सकती है, और जो दी हुई है वो कितनी है आपकी 65 साल। इसके अलावा जो और जजेस होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसे 30 है ना, अब 30+1 होता है इसमें, 30+1 यानी कौन आपके चीफ जस्टिस, और 30 जो होंगे अदर होंगे, तो ये 30 जो होंगे वो आएंगे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस पर, वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि आप ये जज हैं इनको आप ले लीजिए, तो आ जाएंगे।
क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है भाई सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? तो उसके लिए चाहिए होता है 5 साल आपने एज अ जज, या फिर 10 साल आपने एज अ एडवोकेट एडवोकेट काम किया हो, या फिर आप एक डिस्टिंक्ट जूरिस्ट हो, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए आपने काम किया हो पहली बात तो कहाँ पे, एससी में या फिर कोई और ऐसा फेडरल कोर्ट हो उसके अंदर, ठीक है, या तो 5 साल आप जज रहे हो, 10 साल उसमें या फिर वकील रहे हो, या फिर आप जो प्रेसिडेंट माने आपको कि भाई आप तो बहुत मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जज हैं, तो फिर वो आपको सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके तौर पर नियुक्त कर सकते हैं। इसके बाद में कहां बात आती है, वंस ही वर्कड इन एससी ही मे वर्क इन एनी अदर कोर्ट, ठीक है, मतलब अगर उन्होंने वहां पर काम किया है तो ही मे नॉट है, ठीक है, इसके बाद में ये क्या है, ही मे नॉट वर्क इन एनी अदर कोर्ट, वो कहीं और पे भी काम नहीं कर सकते। उन्होंने अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट में काम कर दिया वो फिर जाके किसी और देश की किसी और कोर्ट में काम नीचे नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात क्या आती है, एनी सच जज मे रिजाइन, वो एक तो रिजाइन कर सकते हैं, दूसरी बात अगर उनका हटाया जाएगा कभी, उनको अगर ऐसी बात आती है किसी कोई किसी से संतुष्ट नहीं है अगर, तो फिर उसका हटाया कैसे जाएगा, मिस बे और इनकैपेसिटी के लिए पहली बात हटाया जाएगा, इसके अलावा वो नहीं हटाया जा सकते, और हटाया किस तरह से जाएगा, 2/3 मेजोरिटी चाहिए आपके दोनों के दोनों हाउसेज में। जैसे आपने केस देखा होगा आपके दीपक मिश्रा जी का, तो उसमें कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन एक सदन में भी वो 2/3 से पास नहीं हो पाए थे, तो उनका जो हटना था वो हटाना नहीं हो पाया था। इसके अलावा बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 125 की, सैलरीज कहाँ से आएंगी इनके, सेकंड शेड्यूल जो है आपका, ये शेड्यूल है सेकंड शेड्यूल, इसके अंदर जो है आपकी ये सभी चीज़ें मेंशन है, और इनको कितना मिलना है, कितनी पेंशन होगी इनकी, इनके कितने अलाउंस होंगे, उसी हिसाब से होना चाहिए। दूसरी बात यह, पार्लियामेंट को भी हक है, वो इनके सभी जो अलाउंस और पेंशन और सैलरीज होती है उसको डिसाइड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं आर्टिकल 126 की बात करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए चीफ जस्टिस का ऑफिस जो है वो खाली है, वो कहीं छुट्टी पे गए हैं या किसी भी रीजन से वो खाली है, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी और जज को सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे उनको ऑफिस संभालने के लिए कह सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत की बात कहीं पर भी नहीं आनी चाहिए, ऐसा कहता है आपका आर्टिकल नंबर 126। आइए बात कर लेते हैं आगे वाले आर्टिकल की, जो है आर्टिकल नंबर 127, यहाँ पे बात की जाती है अपॉइंटमेंट ऑफ द एड हॉक जजेस। काम करने के लिए अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जो कोरम है पूरा नहीं हो पा रहा है और वहाँ पे प्रोसीडिंग्स चलनी ही चलनी है, आपको प्रोसीडिंग्स तो चलेंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो फिर जो चीफ जस्टिस होते हैं वो कह सकते हैं कि भाई जो जजेस हैं जो अभी हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं तो उनको एज अ एड हॉक जज, यानी कि परमानेंट नहीं, परमानेंट उनको जज ना बनाया जाए आपके सुप्रीम कोर्ट का, बल्कि उनको एड हॉक के तौर पर काम करा लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट से के जो काम का निपटारा है वो उनसे करा लिया जाए, ठीक है, हाई कोर्ट के जज को, उनको क्या बोलेंगे, एड हॉक जजेस, उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है आर्टिकल 127 में। इसका दूसरा वाला पार्ट क्या कहता है, व्हाइल सो अटेंडिंग ही शैल हैव ऑल द ज्यूरिसडिक्शन पावर्स एंड प्रिविलेजेस व्हेन शैल डिस्चार्ज द ड्यूटी। देखिए जब भी कोई हाई कोर्ट का जज एड हॉक जज के तौर पर काम करेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो फिर उसको जितनी भी सुविधाएं वो दी जाएंगी, सारी की सारी पावर दी जाएंगी, उसके ज्यूरिसडिक्शन का जो वो एरा होगा या फिर जो एरिया होगा वो उतना ही होगा जितना कि सुप्रीम कोर्ट का होता है, ठीक है, ये कहता है आपका आर्टिकल नंबर 127। आइए बात कर लेंगे आर्टिकल नंबर 128 की, तो वो कहता है अटेंडेंस ऑफ द रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द एससी। कई बार ऐसा होता है कि कोरम जो है वो पूरा नहीं हो पाता, तो इसमें एक और प्रावधान दिया हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो क्वालिफाइड जजेज हैं, ठीक है, मान लीजिए रिटायर हो चुके हैं लेकिन वो क्वालिफाइड हैं, अब भी उनसे मतलब काम हम ले सकते हैं, तो आप उनको अपॉइंट कर सकते हैं, उनसे आप करवा सकते हैं काम, ठीक है, प्रेसिडेंट के साथ में मिलकर, तो उनको अपॉइंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 129 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मतलब ऑन रिकॉर्ड होता है, ठीक है, उसके लिए भी, उसके आने वाले सभी केसेस के लिए भी, हिंदुस्तान में हो रहे सभी कानूनों के लिए भी। दूसरी बात यह है उसका आप रेफरेंस कहीं पर भी दे सकते हैं, हाई कोर्ट में जितने भी केस होंगे उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितने भी केस होंगे सभी को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, उसको एक मतलब आइडल के तौर पर मानना पड़ेगा कि अगर उसमें ऐसा हुआ है तो वो चीज़ें जो है वो मतलब सही ही हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको आइडल के तौर पर मान के ही पूरे देश में फैसले दिए जाएंगे, और अगर कोई उसको टालता है या उस पर मान लीजिए कोई भी सवाल या निशान उठाता है तो फिर उसको पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तौर पर किया जा सकता है, ऐसी इनको पावर दी गई है आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। इसके अलावा बात करते हैं आर्टिकल नंबर 130 की, यहाँ पे बात की जाती है सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो कहाँ पे होगी आप सभी को बताया, दिल्ली में होगी वैसे तो, और वरना ही तो आपके जो डिसाइड कर सकते हैं बाद में, एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट, ठीक है, वैसे तो दिल्ली में होनी चाहिए, और कोई भी प्लेस जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के साथ में मिलकर डिसाइड करें वहाँ पे इसकी जो कोर्ट है वो हो सकती है आपकी सुप्रीम कोर्ट की। फिलहाल कहाँ है, दिल्ली में, ये सभी आप लोग याद रखें। आर्टिकल 130 के बारे में कहता है, 131 क्या कहता है, वो कहता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहाँ कहाँ होता है इसका, देखिए कोई भी केस जो रिलेटेड है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो इसके अंदर आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स के साथ में होगा वो इसके अंदर आएगा, और जो दो स्टेट्स मान लीजिए लड़ रहे हैं किसी भी के लिए, मान लीजिए पानी के लिए, लैंड के लिए, कहीं पर उसमें डिस्प्यूट है तो वो भी कहाँ पर सुलझ जाएगा, इसी के अंदर सुलझ जाएगा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इसके अंदर ये आता है।
इसके अलावा बात कर लेंगे आर्टिकल नंबर 132 की। इससे पहले हम आर्टिकल 131 पढ़ चुके हैं। 132 कहता है एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। कई बार क्या होता है कि आप मैंने जैसे आपको हायरार्की मैंने बताई थी ज्यूडिशियरी की, मैंने बताया था कोई भी इंसान अगर हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो कहां जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। वो वाले जो केसेस होते हैं वो किसमें आएंगे आर्टिकल नंबर 132 में, और उन्हीं को कहा जाएगा क्या एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसके अंदर दो चीजें और होती हैं, पहले देखिए आइए इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। तो ये कहता है एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट फॉर द रॉन्ग डिसीजन डिक्री फाइनल ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वेदर इन अ सिविल क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग सर्टिफाइड बाई हाई कोर्ट। ठीक है, इसके अंदर जो अपील लाई करेगी वो या तो किसी ने अपील की हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कोई भी सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो या कोई भी प्रोसीडिंग का मैटर हो। दूसरी बात ये है कि या फिर उसको हाई कोर्ट जो है सर्टिफाई करे। ठीक है, हाई कोर्ट सर्टिफिकेशन की बात मैं आपको थोड़े आगे बताऊंगा, जिसमें कि आर्टिकल नंबर 133 इसके लिए पढ़ लेते हैं। तो आर्टिकल 133 कहता है कोई भी मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है जो कि हाई कोर्ट में चल रहा हो और उसके फैसले से कोई इंसान अगर संतुष्ट नहीं है, कोई भी इंसान ये कहता है कि ये जो कानून का लागू नहीं हुआ है अच्छे तरीके से, रॉन्गली डिसाइडेड है ये फैसला, तो मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में, उसके पूरा पूरा हक है। या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि हाई कोर्ट ये समझे कि ये सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए ताकि इसका जो एक बड़े लेवल पे इसका जो इम्पैक्ट है वह पड़े, तो वो जो है वो फैसला आपका सिविल मैटर का जा सकता है आपके हाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट से। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल अभी जो है एडल्ट्री का आपने जो लॉ सुना होगा वो उसके ऊपर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगाई हुई है। और जो आपका होता है आर्टिकल नंबर 134 वो बताता है आपके क्रिमिनल मैटर्स के बारे में। जैसे आर्टिकल 133 कहता है सिविल मैटर्स के बारे में, आर्टिकल 134 कहता है आपके क्रिमिनल मैटर्स के बारे में, जो कहता है इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ अ हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134A। अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेशन देता है कि ये जो है आपका वो ऊपर जाना चाहिए, या फिर कोई भी इंसान ये कहता है जिसको डेथ सेंटेंस दे दिया है, कोई भी उसको सजा दे दी गई है, वो ये मानता है कि नहीं मेरे को सजा मिली है ये गलत है और मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, तो जा सकता कहां पे आपके सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा कहता है आपका आर्टिकल नंबर 134। आर्टिकल 134A क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये कहता है कि जो हाई कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि वो कोई भी जो आपका अगर मान लीजिए पार्टी उसको चाहे या फिर हाई कोर्ट खुद सोचे कि ये जो कोई भी फैसला है वो जा सकता है आपकी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को हमें ऐसे पास कर देना चाहिए, तो उसको पास कर सकते हैं। ऐसी है पावर किसकी, आपकी हाई कोर्ट की है, ये कहता है आपका आर्टिकल नंबर 134A। इसके अलावा बात करते हैं आर्टिकल नंबर 135 की। तो 135 कहता है ज्यूरिसडिक्शन एंड द पावर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या कहता है ये देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैव पावर रिगार्ड एनी प्रोविजन विच इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 134, आर्टिकल 135। तो ये कहता है कोई भी चीज जो कि आर्टिकल 134 या 135 में मेंशन नहीं है, यानी 133, 134 या किसी में भी मैटर मेंशन नहीं है अगर, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उसके लिए प्रोविजन वो बना सकता है। इसके अलावा बात करते हैं आर्टिकल नंबर 136 की। हमें बात की जाती है स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में प्रोवाइड एसएलपी। देखिए एसएलपी क्या होता है, कोई भी फैसला जिससे आप संतुष्ट नहीं है, ठीक है, कोई भी फैसला जो आपने सुना होगा पेटिशन जो डाली जाती है उसी के ऊपर होती है, ठीक है, स्पेशल लीव पेटिशन को बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा फैसला जिससे कि आप मतलब आप उससे खुश नहीं है, तो 90 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट के अलावा उसमें डाल सकते हैं, हाई कोर्ट हो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ठीक है, अगर कोई भी केस उसके नीचे वाली केस कोर्ट्स में चल रहा है और उसको लगता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में आप उसके लिए जा सकते हैं तो आप जा सकते हैं। 90 दिन के अंदर आप इसके लिए करते हैं उसके एसएलपी बोलते हैं, ठीक है, जो लोगों के लोकहित के अंदर ये चीजें होती हैं। इसके अंदर सिर्फ एक चीज नहीं आती, वो होता है आपका कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल के लिए आप एसएलपी फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आर्टिकल नंबर 137 की, जहाँ पे बात की जाती है रिव्यू ऑफ द जजमेंट्स और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है अपने जो जजमेंट्स हैं उसको या फिर किसी और का जो जजमेंट है किसी हाईकोर्ट वगैरह का है उसको भी रिव्यू करने का, और इसके रिगार्डिंग जो लॉज है वो कौन बना सकता है, आपका पार्लियामेंट बना सकती है। आर्टिकल नंबर 138 कहता है एनलार्जमेंट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि वो किसी भी मैटर पर जो कि यूनियन ऑफ इंडिया में चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, या किसी भी गवर्नमेंट जो कि स्टेट के अंतर्गत है उस पर रिगार्डिंग कोई भी अपना फैसला सुना सकती है। ये इसका ज्यूरिसडिक्शन पूरे के पूरे पैन इंडिया पे आता है, यूनियन ऑफ इंडिया पे आता है। आर्टिकल नंबर 139 ये कहता है कन्फर्मेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इश्यू सर्टेन रिट्स। रिट्स जो मैंने आपको पढ़ाई थी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, उन सभी की यहाँ पे पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को 139 आर्टिकल के अंतर्गत, कि पार्लियामेंट में बाई लॉ पावर कौन देगा इसको, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि उसको पावर देगी सुप्रीम कोर्ट को ताकि वो रिट्स जारी कर सके और लोगों का जो भरोसा है कोर्ट्स के ऊपर और जो सरकारों के ऊपर कि उनको न्याय मिलेगा वो और ज्यादा मजबूत रहे, ऐसा कहता है आपका आर्टिकल नंबर 139A। क्या कहता है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। मान लीजिए कोई भी ऐसा केस है जिसको कोर्ट ये सोचता है जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट ये सोचता है खुद कि ये जो केस है इसको हमें लेना चाहिए, उसका भी
फैसला है हमें जल्दी से देना चाहिए या हमें अपने रिगार्डिंग में देना चाहिए, तो वो उसको जो है अपने यहाँ ट्रांसफर कर सकता है, या फिर कोई भी केस मान लीजिए चल रहा है आपके मद्रास हाई कोर्ट में, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि वो उसको किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, ऐसा कहता है आपका आर्टिकल नंबर 139A। 140 क्या कहता है, एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसमें क्या कहता है, पार्लियामेंट मे मेक प्रोविजंस फॉर द कन्फरिंग अपॉन द एससी एस सच नेसेसरी सप्लीमेंट पावर्स नॉट इनकंसिस्टेंट। पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट जो है उसके नियम बना सकता है कोई भी ऐसी सप्लीमेंट पावर जो कि सुप्रीम कोर्ट को कभी जरूरत हो, या देख सकते हैं इसे पिक्चर में किसको थोड़ी सी और टेलीस्कोप की जरूरत थी ताकि थोड़ा सा और दूर देख सके या और अच्छे से काम कर सके, तो पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को उसकी पावर्स को प्रोवाइड करेगी, ऐसा कहता है आपका आर्टिकल नंबर 141 को देख लेते हैं। कहता है लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, कोई भी जो उन्होंने कह दिया उनका जो फैसला होता है वो सभी जो कोर्ट्स होते हैं उसके ऊपर क्या होगा आपका बाइंडिंग होता है, ऐसा कहता है आपका आर्टिकल नंबर 141। 142 क्या कहता है, एनफोर्समेंट ऑफ द डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो जो होता है जैसे घोषणा होती है ना किसी चीज की, वो होता है एक तरीके से, ठीक है, तो उसके जो होता है सच ज्यूरिस्डिक्शन और एनी डिक्री सो पास्ड और ऑर्डर सो मेड शैल बी इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरी पूरी टेरिटरी के लिए वो होता है, ठीक है, एक तरह से घोषणा होती है उसकी वो पूरी पूरी टेरिटरी पर होगी वो, रिगार्डिंग नेसेसरी बट पेंडिंग केस अंडर इट्स ज्यूरिस्डिक्शन, लेकिन कोई भी केस उसके अंदर जो पेंडिंग है उसके अंदर उसने मान लो कोई ऐसा फैसला दिया है तो पूरे पूरे जो पैन इंडिया है उस पर वो लागू होता है, उसमें किसी को भी संशय नहीं होना चाहिए, ऐसा कहता है आपका आर्टिकल नंबर 142। 143 कहता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट विद द सुप्रीम कोर्ट, कभी ऐसे दिक्कत आती है अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को उनको राय लेनी पड़े तो सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हैं भाई मेरे को इस मैटर में राय चाहिए, और जो आपके चीफ जस्टिस हैं उनको मतलब जाके और इत्तला करेंगे उसके बारे में बताएंगे कि आप मेरे को इस बारे में राय दीजिए, और फिर वो जाके अपनी जो या तो उस पर केस कोई बिठा सकते हैं अपनी बेंच बिठा सकते हैं उसका भी फैसला लेंगे, वो लेके कहाँ पे आपको बताएंगे आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उन्हें बताएंगे, जैसे ही वो केस खत्म होगा जैसे वो बेंच का वो जो भी फैसला आएगा वो किसको बताएंगे आपके जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको बताएंगे कि सर ये बात है और इस तरह से ये हो सकता है प्रोसीडिंग के खत्म होने के जस्ट बाद में, ऐसा कहता है आपका आर्टिकल नंबर 143। 144 कहता है सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे बात किया थी ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड टू द सुप्रीम कोर्ट, जैसा सुप्रीम कोर्ट कहेगा सभी को चाहे वो सिविल हो या जुडिशियल हो उन सभी को इसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, सभी अथॉरिटीज को जैसा कि आपका गाइड करता है कौन सुप्रीम कोर्ट उसी के प्रकाश में उसी की लाइट में इनको काम करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 13145 कहता है सॉरी रूल्स ऑफ द कोर्ट, तो रूल्स ऑफ द कोर्ट कौन बनाएगा, आपके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाती है, और रूल्स कैसे बनाए जाएंगे आइए देख लेते हैं सभी को, यहाँ पे बात की जाएगी आपके रूल्स फॉर प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट, किस तरह से प्रोसीडिंग चलेंगी, प्रैक्टिस किस तरह से होगी, हियरिंग कब होगी, इसकी अपील्स कब की जाएंगी, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, रिट्स के बारे में, फीस कैसी होगी, ठीक है, रिव्यू कैसे होंगे इसके, मान लीजिए कोई केस उन्होंने कर दिया उसका रिव्यू कैसे किया जा सकता है, बेल कैसे मिलेगी, स्टे कैसे लगेगा किसी केस पर, और इंक्वायरीज कैसे होंगी सुप्रीम कोर्ट की, इन सभी के ऊपर जो जिम्मेदारी किसकी है, पार्लियामेंट की है, और प्रेसिडेंट के साथ में मिलकर उनको समय समय पर ऐसे प्रोविजंस बनाते रहने चाहिए। इसके अलावा अगला वाला पॉइंट है वो कहता है ऑल्सो रिगार्डिंग नंबर ऑफ द जजेस, नंबर ऑफ जजेस भी कौन डिसाइड करेगा, आपका पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, पावर ऑफ सिंगल जजेस वो भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और जो डिवीजन कोर्ट्स की पावर है वो भी कौन डिसाइड करेगी, आपकी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। इसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसाइडिंग शैल बी 5 फॉर अ बेंच, कोई बेंच अगर बैठती है ऑरिजिनली इसके अंदर जो है चीज वो ये है कि 5 लोगों की एक बेंच होनी चाहिए किसी भी एक फैसले के लिए, एक बेंच के लिए, ठीक है, और जो डिसीजन होगा उसका वो मेजोरिटी के द्वारा लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक जज ने कह दिया उसका डिसीजन हो गया, नहीं, जो मेजोरिटी की जैसे 5 लोगों की अगर बेंच है तो 3 लोगों को हाँ कहना चाहिए 2 लोगों को ना कहना चाहिए तब जाके फैसला है वह उसके पक्ष में माना जाएगा। आर्टिकल नंबर 146 आता है ऑफिसर्स एंड द सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ऑफिसर और सर्वेंट जो है वो कौन अपॉइंट करेगा, सीजीआई या फिर उनके ज्यादा जो पार्लियामेंट पहली बात तो प्रिस्क्राइब करेगी और जो भी प्रोविजंस होंगे और कौन अपॉइंट करेगा उनको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके अलावा जो जितनी भी उनकी फीस होगी या जो भी सैलरीज वगैरह उनको दी जाएंगी वो कहां से चार्ज होंगी, आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होंगी। इंटरप्रिटेशन कहता है आपका आर्टिकल नंबर 147, यहाँ पे बात की जाती है कि जो पार्ट 5 और पार्ट 6 के बात हैं तो कोई भी अगर इंटरप्रिटेशन करना है उसका, इंटरप्रिटेशन तो पूरे पूरे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का ही सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्पेशली कहा है कि पार्ट 5 जिसमें कि आपका द यूनियन है और पार्ट 6 जिसके अंदर द स्टेट्स है, दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पहलू है गवर्नमेंट से रिलेटेड, उसका अगर कभी इंटरप्रिटेशन करना है और जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था, और जो आया था आपका इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसका भी अगर कभी इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा 1947 वाले का और 1935 वाले का, ये भी कौन करेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, ऐसा कहता है आपका ये वाला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 147। तो यहाँ पे ये जुडिशरी खत्म हो जाती है और केक का काम शुरू होता है, तो 148 जो आर्टिकल है वो बात करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, आइए देख लेते क्या कहता है, तो ये कहता है देयर शुड बी वन केक,
ठीक है, एक एक होना चाहिए भारत का, और इसमें क्या होना चाहिए, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगा, है ना, 6 साल के लिए काम करेंगे, या फिर जो जब तक इनकी 65 साल उम्र नहीं हो जाती तब तक काम करेंगे। अगर इनको कभी हटाना है तो सेम प्रोसेस होगा जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज के इंडिया के तौर पर होता है, हमने देखा पहले। और इनकी ओथ है ये लेंगे प्रेसिडेंट के सामने, थर्ड शेड्यूल में इनकी ओथ मेंशनड है। और उसके अलावा जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगी इनको कितना पैसा दिया जाएगा सैलरी के तौर पर। इसके अलावा बाकी जो इनके अलाउंस और प्रिविलेज वगैरह हैं वो कहाँ पर मेंशन है, आपके सेकंड वाले शेड्यूल में। कोई भी ऑफिस जो है उसको ज्वाइन नहीं करेंगे एक बार अगर ये भारत के कैग हो गए हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एक बार ये हो चुके हैं तो किसी और ऑफिस को ज्वाइन करने के लिए नहीं कहा जाता है। और जो चार्जेस मस्ट बी ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, इनके जो खर्चे होंगे किस पे होंगे, आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज भी सभी होंगे। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 149 कहता है क्या ड्यूटीज होंगी, तो ड्यूटीज होंगी इनकी अकाउंट्स को संभालना, किसका अकाउंट, आपका यूनियन हो गया, स्टेट्स हो गया, कोई भी अथॉरिटी ऑफ बॉडी जिसको प्रिस्क्राइब करे ये लॉ, उन सभी अकाउंट्स का इनको देखभाल करनी होती है, कोई इसमें गड़बड़ जाला ना हो इसकी पूरी भी जिम्मेदारी होती है इनके पास में। आर्टिकल नंबर 150 कहता है फॉर्म ऑफ अकाउंट, तो जो अकाउंट होंगे आपके जो यूनियन के वो कौन डिसाइड करते हैं, आपके प्रेसिडेंट, लेकिन किसकी एडवाइस पर करेंगे वो होंगे आपके कैग की एडवाइस पर, ठीक है, उसी तरह से होंगे उनका अकाउंट जैसे कि आपको कैग कह देंगे। आर्टिकल नंबर 151 कहता है ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में कि जो ऑडिट रिपोर्ट्स होंगी ये किसको देंगे, ये जाके देंगे सीधे सीधे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जाके फिर दोनों के दोनों हाउसेस के लिए सामने रख देंगे कि ये हैं और ये इनकी रिपोर्ट्स आई हैं आपकी इस सीजन की, या आपने जो रिपोर्ट मांगी थी वो कुछ इस तरह है, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट्स ये देंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट देंगे पार्लियामेंट को, ये खत्म होता है आपका जो यूनियन पार्ट है, पार्ट 5 यहाँ पे खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये क्रैश कोर्स आपको दोनों साइड दिख रहे होंगे, एक साइड यहाँ पे दिख रहे होंगे, दूसरी साइड जो है ये करंट अफेयर्स हैं, आपको रैपिड फायर करंट अफेयर्स होते हैं, इनको आप जरूर देखें, कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।